रीवा एमपी के त्योंथर विधानसभा में आगामी 17 नवंबर को होने वाले मतदान का ग्राम पंचायत सूती के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। विद्युत ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। 2 माह से अधिक समय से सूती गांव का ट्रांसफर जला पड़ा है। ग्रामीण लगा चुके विद्युत कार्यालय का चक्कर, नहीं हुई सुनवाई तो खोल दिया मोर्चा। वर्तमान समय में लोगों की सबसे अधिक जरूरत बिजली, पानी और सड़क की है, पर रीवा जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सूती के ग्रामीणों ने विद्युत ट्रांसफर जले होने की वजह से बीते 2 माह से अधिक समय अंधेरे में जीने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों ने जब कई बार विद्युत कार्यालय का चक्कर लगाए तो विद्युत विभाग का अमला ने विद्युत ट्रांसफर को बनने के लिए भेज दिया, पर शायद ट्रांसफार्मर लगवाना भूल गया। वहीं ग्रामीणों ने जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने आंदोलन छेड़ दिया और आगामी 17 नवम्बर को होने वाले मतदान का बहिष्कार कर दिया। नहीं वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। सरपंच गांव में का समस्या है अपना, लाइट नहीं है का और क्या, 3 महीने से तो मतदान के बहिष्कार के है न देव के वोट, जब तक ट्रांसफार्मर न लगे तो का समस्या है लाइट न होने कारण, पूरा खेत जर गया पानी बिना, और मोबाइल नहीं चार्ज होता, गदेरा नहीं पड़ता, किरबा भी छोड़ निकलते हैं। तो अधिकारी से बारे में बताया अपने? अरे के सब लोग बताए तो गांव वाले तो नहीं सुनता है कि नरसिंह है कौन सा नाम? हमारा गांव सूती है, सूती पंचायत में है। आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया क्या कारण? जी इसलिए हम लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 महीने से यहाँ लाइट नहीं है। पिछले 3 महीने से हमारा ट्रांसफार्मर जला है, कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है, ना कोई कर्मचारी सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। सबसे बड़ी समस्या है, पहले यहाँ मिट्टी का तेल भी मिल जाता था 5 साल पहले, आज वो भी नहीं मिलता है। आज ना हम खाना बनाने में समस्या है, खाना खाने में समस्या है, पढ़ाई उढ़ाई की तो बहुत दूर बात है, पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे, बाकी खाना बनाने खाने में दिक्कत आ रही है, कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार हमारे गांव के पूरे समाज हमारा सब इकट्ठा है, इस बार कोई वोट नहीं करेगा, वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारा ट्रांसफार्मर नहीं लग जाएगा हम लोग पूरा एकत्रित होकर इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। हाँ अगर देखिए ट्रांसफार्मर जला हुआ था, हमने निकलवा भी लिया, उसको सुधरवाने भेज भी दिया है, लेकिन अभी वहाँ पे जो बकाया राशि है उसके अनुसार जो अपने नियम है कि 10% जो बकाया राशि है उसका 10% जमा करना होता है, उतना जमा भी नहीं है, उसकी सूचना नहीं आई है, तो जैसे ही जमा होता है हम वैसे ही करा देंगे उसको। और इसके अलावा भी लाइनमैन वहाँ जा रहे हैं, सभी जगह जहाँ ट्रांसफार्मर जले हैं वहाँ लाइनमैन जाके वसूली का कार्य कर रहे हैं, 10% जमा होते ही हम सभी जगह ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। और वहाँ कोलिंग बूथ भी है तो उसकी व्यवस्था क्या रहेगी, आप कहते हैं नहीं जमा पाता? नहीं अगर देखिए पहले तो अभी समय है काफ़ी, तो हमारे लाइनमैन कोशिश कर रहे हैं कि 10% जमा हो जाए, हो ही जाता है जनरली 2-4 दिन में हो जाता है अगर डेली जाते हैं तो, नहीं होता है तो हम कुछ ना कुछ कोलिंग बूथ के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।